हिमाचल प्रदेश में गर्मियों के मौसम में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी शिमला में भी झमाझम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा है कि अगले 72 घंटों में प्रदेश में मौसम इसी तरह खराब रहेगा। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि गर्मियों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश में ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में मॉनसून मध्य जून में प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस बार मॉनसून के सामान्य से कम रहने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि मई के महीने में भी लगातार बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक का भी यही कहना है कि अगले 72 घंटों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम इसी तरह बने रहेगा। कहीं भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये मौसम पूरे प्रदेश में बना हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मध्य जून तक मॉनसून हिमाचल में हिट कर सकता है और सामान्य से कम मॉनसून रहने की इस बार अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। विक्षोभ अप्रोच कर रहा है और आने वाले करीब 48 से 72 घंटे में फिर से प्रदेश में मौसम खराब होगा, बारिश होगी और बारिश के साथ साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना भी है और साथ साथ में जो है लाइटनिंग के भी चांसेस हैं और ये स्पेल करीब 2 से 3 दिन चलेगा। और हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है, तेज़ हवाएं कई बार जो है काफ़ी तेज़ आंधी आ जाती है और उसके साथ साथ में ओलावृष्टि भी होती है जो कि फसलों के लिए पीछे भी नुकसान किया, तो आमतौर पर उसकी प्रिकॉशंस के लिए हमने दिया है। मौसम में कुछ कमी आएगी और जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें भी कमी आ जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कुछ दशकों पहले हिमाचल में जो आजकल मौसम है उसी तरीके का मौसम कमोबेश देखने को मिलता था। गर्मियां बहुत कम अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश में रहती थी और अब कई दशकों बाद ये आलम देखने को मिल रहा है जहां मई के महीने में भी मौसम इस तरीके से बना हुआ है, बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी इसमें कुल मिलाकर नजर आ रहा है। आगे आने वाले 72 घंटों के लिए भी इसी तरीके के मौसम का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है, इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं? जस्मीन, बिल्कुल, आगे आने वाले 72 घंटे भी इसी प्रकार से मॉनसून बारिश होने का अनुमान है हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में और बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी अधिकांश क्षेत्रों में चल सकती हैं। अब जिस प्रकार के प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगातार रही है और वही हुआ भी, पिछले कल हमने देखा करीब शाम 6 बजे से लगातार बारिश जारी थी और देर रात तक बारिश जारी रही, तो लंबे लंबे बारिश के स्पेल हो रहे हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है लेकिन लंबे स्पेल हो रहे हैं, दिन को लगातार बारिश रही रुक रुक कर। इसके अलावा लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश जारी है और गर्मियां ना मात्र की हम कह सकते हैं, केवल 1 या 2 दिन ऐसे रहे होंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, बाकी लगातार टेम्परेचर डाउन रहा है और बारिश का मौसम हमेशा रहा है। और अब जैसी कि प्रेडिक्शन है मानसून हिमाचल प्रदेश में अब आने वाला है, जून महीने के अंत तक आ सकता है, मध्य तक आ सकता है, तो ऐसे में गर्मियों का मौसम लगभग खत्म ही कह सकते हैं, लेकिन मानसून में कितनी बारिश होगी ये भी अब देखना होगा। हालांकि जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि कम बारिश इस बार होने वाली है, लेकिन इस बदलते मौसम में सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को, किसानों को, बागवानों को, क्योंकि पिछले अगर हम कहें तो लगभग नवंबर महीने से अगर पूरे मौसम का अध्ययन किया जाए तो जब बारिश की उम्मीद थी नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी तक, तब बारिश बहुत कम बारिश हुई और फसल की जो अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, फ्लावरिंग की उम्मीद थी, फलों की अगर बात करें चाहे स्टोन फ्रूट्स हो या फिर एप्पल्स हो, इन तमाम को जब बारिश की ज़रूरत थी तो बारिश कम हुई, बर्फबारी कम हुई और जब फसल का पकने का समय आया, फ्लावरिंग का समय आया, जब बारिश की ज़रूरत नहीं थी तो फिर उस वक्त दोबारा बारिश शुरू हो गई और ये बारिश अब तक कंटिन्यू है। फसल पकी, उसके बाद फसल की कटाई और फिर अगर पौधों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो फिर फ्लावरिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है, छोटे जब फल होते हैं उनको बारिश से नुकसान हुआ, ओलावृष्टि हुई, अगर अपरी ऊपरी हिमाचल क्षेत्र की बात करें ओलावृष्टि हुई है और इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जब तेज हवाएं चलती हैं, ओलावृष्टि होती है तो फिर फलों को नुकसान होता है, फ्लावरिंग को नुकसान होता है, पूरी सेटिंग प्रभावित होती है, तो ऐसे में जब बारिश की ज़रूरत नहीं थी तब बहुत अधिक बारिश हुई और जब ज़रूरत थी तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। अब क्योंकि फसल बुआई अब
खेत बुआई का समय निचले हिमाचल के क्षेत्रों में शुरू हो गया है और ऐसे में इतनी अधिक बारिश हो रही है कि बुआई बिल्कुल राजेंद्र फसल बुआई का समय चल रहा है और ऐसे में अतिरिक्त बारिश होना कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो रहा है। विचित राजेंद्र, बहुत शॉर्ट में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से टूरिस्ट सीजन भी इस वक्त पूरे प्रदेश में है, खासतौर पर शिमला और मनाली जैसे इलाकों में, और जो बारिश हो रही है टूरिस्ट सीजन पर इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्योंकि मॉनसून बहुत जल्दी सक्रिय हो जाएगा 15 जून के आसपास बताया गया है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा, तो इस पर टूरिस्ट सीजन का कितना असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल जैस्मिन, टेम्परेचर डाउन था, ऐसे में टूरिस्ट सीजन ज़रूर अच्छा रहा, लेकिन जब बारिश इंक्रीज़ हो जाती है, लगातार दो दिन बारिश रहती है, तो फिर मैसेज एक स्प्रेड हो जाता है कि बारिश अधिक है, और ऐसे में पर्यटक जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, पूरे देश के अलग अलग कोनों से, विदेशों से पर्यटक आते हैं, फिर उनका टाइम वेस्ट कह सकते हैं, उनको लगता है जब बारिश लगातार रहती है और आपको घर के अंदर होटल के कमरों के अंदर रहना पड़ता है तो फिर उससे प्रभावित होता है। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम रहा है, तो ऐसे में अच्छा खासा टूरिस्ट सीजन इस बार हम कह सकते हैं लगा है। लेकिन जिस प्रकार से मानसून की प्रेडिक्शन है, अगर 15 तारीख के आसपास मानसून दोबारा से शुरू हो जाता है तो फिर सीज़न ख़त्म होने की तरफ आ जाता है, क्योंकि बारिशों में कोई भी हिमाचल प्रदेश में आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, सड़कें गीली रहती हैं, पहाड़ियां हैं, फिसलन है, तो ऐसे में बिल्कुल राजेंद्र कई फैक्टर्स हैं, फिर मानसून के सीजन में टूरिस्ट सीजन लगभग खत्म हो जाता है, और जिस तरीके से अभी लगातार बारिश हो रही है, प्रदेश के किसानों और बागवानों को कहीं ना कहीं से परेशानी तो हो ही रही है, और टूरिस्ट सीजन भी इससे इफेक्ट हो रहा है। राजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।